आज हम सब लोग असुर हो चुके हैं। असुर का मतलब है जिसका आहार विहार निकृष्ट है उसको असुर कहा जाता है, और जिसका आहार विहार श्रेष्ठ है उसको मानव कहा जाता है, और जो आहार विहार से भी ऊंचा उठ जाता है उसको देव कहा जाता है। तीन श्रेणियां हैं, देव, मनुष्य और असुर। असुर कौन है? जिसका आहार विहार बिगड़ चुका है वो असुर है। मनुष्य कौन है? जिसका आहार विहार सत्शुद्ध है वो मनुष्य है, और जो आहार विहार से परे हो चुके हैं उनका नाम देव है। तो हम देव न बन सके कोई बात नहीं, कम से कम मनुष्य तो बने, हम असुर तो न बने। इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चाह सुरताम गतः। हमारे शास्त्रों का ये वचन है कि इस कलयुग के प्राणी असुर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आहार विहार बिल्कुल निकृष्ट हो चुका है। एक राक्षस का जो आहार विहार है वो आपका और आज के मनुष्य का आहार विहार हो चुका है। और आप देखना, थोड़ा सा निरीक्षण करना, आज के समाज का बिल्कुल आश्रय प्रवृत्ति। हमारे यहां एक एक चीज का बिल्कुल सूक्ष्मता से वर्णन है कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितने बजे जगना है, कितने बजे आपको सोना है, कैसे सोना है, सब चीज का बिल्कुल सूक्ष्मता से वर्णन है। लेकिन हम उस सूक्ष्मता की तरफ जाते नहीं, धीरे धीरे मनमाना करते हैं, और मन तो हमें नीचे की ओर लेकर के जाता ही जाता है, तो हम असुर हो जाते। असुर कौन है? असुर वही है जो मनमाना आचरण करे, वही असुर है। और ऋषि कौन है? ऋषि वो है जिसका जीवन शास्त्र के द्वारा नियत है, वो ऋषि है, वो सच्चा मनुष्य है। ऋषि का मतलब श्रेष्ठ मनुष्य, साधना वाला मनुष्य। तो आज हम सब लोग का आहार विहार धीरे 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 बिगड़ता जा रहा है, और आप हम सब असुर बनते चले जा रहे हैं।